अस्सलाम गाइस, वेलकम माय टू चैनल ब्लॉगरेशन। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और अभी मैं बस जस्ट उठ के आया हूँ और अभी जा रहा हूँ बस नीचे, और नीचे जाकर जो है वो तैयार व्यार होना है, नाश्ता वाश्ता करता हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद फाइनली आई एम बैक, और मतलब कि ना कोई दिनों में ना कोई हफ्तों में, डायरेक्ट महीने के बाद ब्लॉग आ रहा है मेरा। कोई 2-3 महीने हो गए ब्लॉगिंग नहीं हो रही, कुछ मसरूफियात थी, स्कूल सेंटर, उसके बाद शाम में जो है वो थोड़ा वक्त मिलता था, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं हुई। तो ऐसी बात है, ये मैं कोई बात करने की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मेरी ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहा था, वाई जो है मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आए, तो ये रीज़न था। और अब जो है वो बोर्ड के जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं, इस वजह से जो है वो फिर आपको पता है उसमें भी ब्लॉगिंग तो रोकनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आप इसको जो कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे नहीं है कि अब कोई हफ्ते में या महीनों में आएंगे ब्लॉग्स, इंशाल्लाह दिनों में हम भेजेंगे ब्लॉग्स। और बस आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो हम इंशाल्लाह डेली ब्लॉग्स बना के कंटिन्यू जो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। और बाकी फिर जो है वो देखते हैं इंशाल्लाह, जैसे भी हमारे ब्लॉग्स बनते हैं। तो आज के ब्लॉग्स वो स्किप तो आपको आना ही नहीं है, तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके रेडी होता हूँ। फिर आप देखिएगा, ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया मैंने, और ये चप्पल लिए, इस बार सैंडल नहीं लिए, चप्पल लिए मैंने, क्या मिलोगी। और इसमें जो घड़ी मिसिंग है, घड़ी में बाद में बनवाना ना। ये उबैद इन मुबारक बोल रहे हैं सब बच्चे। कैसा ब्लॉग देखते हो मेरे? हाँ। देखते हो उबैद? ये भी इसने भी चैनल खोला था यूट्यूब, लेकिन पता नहीं क्या इसकी वीडियो नहीं आती। मैं इसका बिग फैन हूँ, ये वीडियो नहीं अपलोड करता। भाई वीडियो तो अपलोड करा करो, करोगे ना? हाँ। चलो ठीक है, अब जाओ खेले। मैं अपने चैनल का नाम बताओ। बताओ, उबैद डॉन के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, बस लोग सब्सक्राइब कर देंगे बच्चे को। गाइस इनको उसमें ब्लॉग में लिया, और खेल रहे हैं बस, बच्चों की ईद है, खेलते रहे। हम भी थे जब इनके जितने उतने ईद करते थे, लेकिन अब तो बहुत कम जो है वो ज़्यादा दोस्तों से निकल जाते हैं। बाकी क्या है, बस स्टेटस लगा ही देंगे, स्टोरी लगा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा गाइस, आप लोग मुझे जो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर जाकर मैं जो है वो स्टोरी लगाता रहता हूँ और तस्वीर भी अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप मुझे फॉलो करें। आईडी का नेम जो है वो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब्दुल अकरम ब्लॉग्स, आवाज़ देना भाई घर के बाहर। ईद मुबारक इब्राहिम भाई।
गाइस बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं गया था ना बाहर, और मैं आपको बस थोड़ा दिखाने गया था बाहर के हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो दिखा रहा था आपको, थोड़ा घुमा रहा था। तो इसमें मैंने हड्डी देखी बड़े के गोश्त की, तो वहाँ पर खड़ा होकर बस शूट कर रहा था। ऐसे नहीं कि मैं गोश्त लेने गया था बड़े का, मैं बड़े का गोश्त लेने नहीं गया था, दोस्त उसके साथ गया था। तो बस उनको गोश्त चाहिए था, तो मैं खड़ा होकर तो शूट करने लग गया था। ये नहीं समझना कि मैं लेने गया था गोश्त, और क्योंकि आजकल बीमारी भी चल रही है ना बड़े के गोश्त में। तो आप पता नहीं, सोचो या कमेंट सेक्शन बताओ, और आप बताओ कि आप कैसे ईद सेलिब्रेट किया आपने। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, तो कमेंट करें और दिल्ली में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक दें, और फिर देखते हैं क्या क्या प्लान बनता है। वैसे हमारा तीसरा दिन का ईद का जो है वो प्रोग्राम है कुंडली का दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह कुंडली या उमरकोट जाएंगे तीसरे दिन। तो देखते हैं अगर व्लॉग हो उसमें गैदरिंग में व्लॉग होगा इंशाल्लाह, देखते हैं। पूरी कोशिश करूँगा मैं व्लॉग बनाने की, ज़्यादातर व्लॉग होता तो ये देखते हैं बाकी क्या हो। इब्राहिम भाई हम सारे भी सब घूम रहे हैं, बिरयानी खाने आए। इब्राहिम भाई लेके आया था मदीना बर्गर एंड बिरयानी पे, लेकिन यहाँ पे बिरयानी मिलती है, बर्गर नहीं मिलता। और इब्राहिम भाई कितने खिला रहे बताओ यार, कितने की? 400 रुपये। अभी देखो पैसे, अभी आज ईद के दिन भी आपका वॉलेट दिखाऊँ अभी मैं? 1000-1000 रुपये का नोट रख के बैठे हो आप। देखो अब्दुल्ला किधर गया, अब्दुल्ला किधर गया यार, अरे अंदर गया। यहाँ पर देखें बच्चे खेल रहे हैं, ईद बच्चों की होती ज़्यादा, हम भी बच्चे ही, लेकिन अब थोड़े से बड़े हो गए। अब्दुल्ला भाई कितने की ले रहा है, कितने की ले रहा बता दे यार, मैं बता कितने की ले रहा हूँ। एक बात बता मेरे को, बता यार, मेरे पास मेरे 100 की पार्सल, बता कितने की? 100 रुपये की पार्सल? हाँ तो 100 रुपये की हमारे लिए पार्सल करा दो, 50 की मेरी चल रही है दम पे। अभी दम पे वो देखें उधर है, और कहाँ है? 20 मिनट लगेंगे वहाँ से, 100 की पार्सल। अरे वहाँ तो कोयले पड़े हुए हैं भाई, कोयले के ऊपर ढेर पड़ी है, वो भी देखें। आपने देखा कि हम गए थे इब्राहिम के साथ, वो असल में दरअसल मसला ये था कि इब्राहिम जो है वो आया था सही घर वालों के लिए लेने, तो उसने बोला भी था खाने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि घर पे बनाई हुई बिरयानी, और रात में इंशाल्लाह कढ़ाई भी बन रही है, शीर कौरमा भी है। अभी गाइस ये है शीर कौरमा, और अभी जो ये बिरयानी दिन में बनी है और रात में कढ़ाई बनेगी, तो कढ़ाई भी मैं आपको दिखाऊँगा, सब बैठ के खाएंगे ना, तो वो भी मैं दिखाऊँगा। बोतल पी रहा हूँ, खाना वाना खा के अभी फारिग ही हुआ था, और अब थोड़ी आपसे बात करनी है मुझे ब्लॉगिंग के हवाले से, तो अभी वो थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ। गाइस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारी छत, और धूप तो देखिए कैसे पड़ रही है, अभी दिन के 1:15 बज चुके हैं, और बहुत कड़ाकेदार मतलब धूप पड़ रही है, और बाहर तो देखो घर में बैठने का फ़ायदा है, बस बाहर निकलने का तो कुछ काम ही नहीं है आज। तो अभी जो है वो 1:15 दिन के हो चुके हैं, और शाम का प्रोग्राम है इंशाल्लाह, फिर रात को भी देखते हैं दोस्तों में, और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। मैं आपको बाहर बैक कैमरे से जो है वो बाहर का थोड़ा दिखा देता हूँ, तो बाहर तो अभी कोई नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया था। मैं नीचे खाना खा के आया हूँ, तो अभी शाम में उठते हैं, फिर जाके जो मिलने जाते हैं, बस ये है, बस यहाँ भी ऐसे ही है, बस शाम के टाइम पर उठते हैं सब, उसके बाद शाम में सब बाहर आते हैं ईद मिलने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तो ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आपसे बात भी करनी थी व्लॉगिंग के हवाले से मुझे, कि गाइस इंशाल्लाह हम कंटिन्यूस व्लॉगिंग करेंगे अभी, और ज़्यादा से ये करेंगे कि दिनों में व्लॉग्स अपलोड करें, ऐसे नहीं कि हफ्ता हो गया महीना हो गया, ऐसे नहीं। मतलब मेरा चैनल फुल डाउन हो चुका है, जिससे ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर जा रहे भी मेरे, तो इसका मतलब तो फिर गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैं अब व्लॉग्स अपलोड नहीं करूँगा तो फालतू में फिर मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो इंशाल्लाह आप कंटिन्यूसली व्लॉगिंग होगी, तो थोड़ा था मसला बस रीज़न था कुछ इस वजह से, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, सूरज को देखें आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी तो बोल रहे हैं 6 मई के बाद तो 50 डिग्री से ऊपर जाएगी। लेकिन मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ, कोई भी नहीं है, ये पूरा बाज़ार है गाइस, शाही बाज़ार पूरा खाली है, गर्मी देखें कितनी है। कितनी गर्मी है गाइस, पूरा बाज़ार खाली है, सुबह के टाइम पे बच्चे बस यहाँ पर खेल रहे थे। गाइस मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि टीवी चल रहा था ना पीछे, तो अभी मुझे नींद आ रही है, अभी शाम में मिलते हैं। 346 मिनट्स लेटर गाइस दोबारा से 1:30 बजे के बाद तो मैंने व्लॉगिंग की नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था 1:30 बजे के बाद, और थोड़ा काम वाम निपटा के करके उसके बाद आके भी थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो दिन में तो भी गर्मी भी थी धूप भी थी, इस वजह से नहीं बना पाया। अभी थोड़ा सूरज जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो गर्मी जो है वो कम हो रही है, और ठंडी मतलब हवा चलने लगी है अभी,
और वैसे भी पूरे दिन हवा चली है लेकिन गर्मी थी लू की वजह से कोई आता भी नहीं। वैसे शाम के टाइम भी सब बाहर निकलते हैं, तो अभी जो है वो इंशाल्लाह दोस्तों में मैं देखता हूँ, अभी ट्रेनिंग है दोस्तों में जाऊँगा। और लाइक जल्दी करें, और हमारा प्रोग्राम था मतलब अभी कहीं इवनिंग राइड पे जाने का बाइक पे, थोड़ा आपको शेयर दिखा देते हैं। ऐसी दो पंखे मंगाए GFC के, इस पर लिखा हुआ है GFC, ये है सोलर का पंखे का, ये सोलर का पंखा है, ये इसका रिमोट है। तो मुझे जो है ज़्यादा पार्क फैन का जो सोलर का पंखा है ना हमने लगाया हुआ नीचे, लेकिन उसका जो रिमोट है उससे अच्छा ये रिमोट लगा रहा है, क्योंकि लार्ज भी अच्छा भी है, बड़ा भी है और ब्लैक कलर में अच्छा लग रहा है, वो सफ़ेद कलर में छोटा भी है वो। और ये पंखे हमने दो लगवाए हैं अभी, लेकिन तीन तो लाजमी रूम में पंखे चलते हैं, तो इस वजह से एक में था तो दो जो है तो लाइट पे था, इस वजह से बैटरी भी थोड़ी साल हो गया था उसको, पुरानी हो गई थी, इस वजह से हमने दो नए पंखे मंगवाए। और ये मैंने लगवाए अभी दो दिन पहले ही, दो दिन पहले ही लगवाए, तरावी करने पे, तरावी के बाद लगाए थे ये दो पंखे। तो ये हमने परचेस किए 13,000 के अंदर, दो पंखे हैदराबाद से हमने मंगाए हैं। और पैसे वसूल, सनसेट है भाई, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और मैच जा रही है, वहाँ पर चलते हैं खेत देखें। सुबह के टाइम पे आओगे ना 6-7 बजे 5 बजे जब भी हरा भरा, और आप आगे तो और सनसेट के टाइम पे भी हरा भरा, दिन में नहीं आना 2 बजे काम हो जाएगा आपका। और हमारी एक बाइक साथ है वो आगे निकल गए, हरा भरा खेत और सामने सरदार गुलाम मुस्तफा का महल, और बहुत ही ज़बरदस्त है पर शाम के टाइम पे मज़ा आ रहा है। अपने बाइक देखा आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पर बोर्ड पढ़े हो गया भाई, अभी वहाँ पर थोड़ी स्लो करें यार। ये मेन यहाँ से जो है वो यहाँ से सीधा तो समारोह है, अगर इस साइड में हम जाएंगे ना जैसे यहाँ पर जा रहे थे, तो यहाँ से जुडो भी पड़ता है। और यहाँ पर देखें ये कुंदरी का बाईपास है, ये हाँ। कुंदरी का बाईपास नहीं, अंदर का बाईपास है। ये बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। ये इतना ही दूम होगा भाई, आराम भाई पीछे रह गए, बाल बाल दिखा रहा है खाली, चेहरे दिखा रहा नहीं किसी के, आराम भाई पीछे रह गए भाई, डेरे नहीं शाउट आउट क्या करें। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्यारा सा और ब्यूटीफुल शहर समारोह, तो बीच में जिसे हम लंदन बोलते हैं। ये बिल्कुल सामने शादी हाल समारोह में दो ही है, कुंदरी पे जा रहा रास्ता, ये समारोह में जा रहा है, समारोह में जो एक ही हाल है वो भी यही है, बस एक था सामने जो बना था टूट गया। और गाइस देखें आप राधे को दिखा, ये बैक, ये बैक साइड है, ये पहले भी मैंने आपको व्लॉग में दिखाया है, वो नहीं है मॉर्निंग इन विलेज वाले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर कचरा कुंडी बना हुआ है, ये इग्नोर मारा इसको, इग्नोर ला तरक्की, नया रोड बन रहा है गाइस, ये देखें नया रोड तामीर हो रहा है, इसका काम चल रहा है अभी, कुछ महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फ्रीज के बाद कंप्लीट हो जाएगा। कैसे भी है समारोह का, वैसे रियल की बात अलग होती है, मोबाइल तो बस ऐसे ही ज़्यादा इमेजिन नहीं करता, जो आप ऑब्जर्व करोगे ना कुछ ज़्यादा। 2 hours later लोग खाने के लिए बैठे हुए अभी 2-3 दिन बाद मेहमान अगर इंशाल्लाह आएंगे तो उनके साथ मैं व्लॉगिंग करूँगा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, दिखाऊँगा मैं आपको कि हम किसे हमारे मतलब कि
दावत होती है और हम कहाँ कहाँ जाते हैं मेहमानों को लेके घूमने के लिए, सारा आपको मैं इंशाल्लाह व्लॉग में दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आई होप आपने भी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर अभी इतने हैं तो इतने ले जाएँ, ज़्यादा से शेयर करें इस वीडियो को और सपोर्ट करें मुझे ताकि मोटिवेट हूँ मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह अब दिनों में वीडियोस आएंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।